बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को मधेपुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस चरण में 61% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान 20,73,587 मतदाताओं के मतदान के लिए 2,045 मतदान केंद्र बनाए गए थे। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। डीएम विजय प्रकाश मीणा ने मधेपुरा जिला मुख्यालय के जगजीवन आश्रम स्थित आदर्श मतदान बूथ पर अपने परिवार के साथ मतदान किया। डीएम विजय प्रकाश मीणा ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में करीब 30 बटालियन पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। हालांकि मधेपुरा में दो जगहों पर स्थानीय विकास के मुद्दे को लेकर लोगों ने वोट बहिष्कार किया, लेकिन अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने काफी प्रयास कर लोगों को समझा बुझाकर मतदान के लिए मनाया। मधेपुरा में मतदान समाप्त होने के बाद एडीएम सुशील कुमार मिश्र व उप निर्वाचन पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि शाम 6 बजे तक 61-62% मतदान हुआ। कुछ बूथों पर 6 बजे के बाद मतदान जारी रहा। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान 9 बैलेट यूनिट, 14 कंट्रोल यूनिट और 25 वीवीपैट को बदला गया। बिहारीगंज में 5, आलमनगर में 7, मधेपुरा में 3, सोनवर्षा में 6 और सहरसा में 4 वीवीपैट को बदला गया। इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। दो जगह पर सुबह में वोट बहिष्कार की बात सामने आई थी। अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने मतदान किया। उन्होंने बताया कि बीएनएमयू के नॉर्थ कैंपस में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देर रात तक ईवीएम जमा होने की संभावना है। जो अप्रॉक्स आंकड़ा है वो डाटा, वो लगभग मान के चला जाए 60% के आसपास, 60 point something होगा। फाइनल डेटा नहीं, चूंकि अभी भी मतदान में, अभी भी हमारे जो मतदाता हैं कहीं कहीं मतदान कतार में लगे हुए हैं, तो अंतिम फाइनल डाटा दे पाना संभव नहीं, लेकिन मोर देन 60-61% के आसपास फाइनल मतलब कि ये VTR रहा। और बोला जाए कुछ है, दो जगहों पर वोट बहिष्कार का भी सूचना मिल रही थी, बाद में हालांकि चालू करवाया गया, क्या लगता है? 187 मधेपुरा और आपका 73 बिहारीगंज में ये सूचना आया था, और सूचना आने के बाद हमारे जो जिला प्रशासन की टीम है, QRT रिस्पांस टीम है, सेक्टर जोनल सभी को वहाँ भेजा गया, मतदाताओं को समझाया गया, मतदाता अंततः राजी हो गए और वोटिंग परसेंटेज भी अंततः ठीक ठाक ही रहा। जैसे आपका जो आपका 187 मधेपुरा में वो ओवरऑल आपका जो VTR रहा 57 point something रहा। इवन कि मतदान बहिष्कार के संदेश के बावजूद भी मतदाता माने तो वो लंबी लंबी कतारें में आकर उन्होंने मतदान किया। जो सहरसा का 3 विधानसभा है वहाँ का क्या अपडेट है? वहाँ भी पीसफुल ढंग से मतदान संपन्न हुआ। वहाँ जो सबसे कम वोटिंग हुआ वहाँ सोनवर्षा सुरक्षित जो मतदान केंद्र वहाँ लगभग 56% के आसपास रहा। बाकी सहरसा महिषी लगभग 60% के आसपास वहाँ बिल्कुल एक शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की भी शिकायतें आई सर, क्या कितना बदला गया, क्या क्या चीज़? ईवीएम में मॉक पोल के क्रम में भी गड़बड़ी की सूचना हुई और नॉर्मल मतदान के क्रम में भी जो गड़बड़ी आई उसकी भी सूचना आई, लेकिन तदनुसार हम लोग इंजीनियर्स की टीम थी, मास्टर ट्रेनर की टीम थी, सूचना प्राप्त होते ही उसे हम लोग ने तुरंत रिप्लेस किया। जैसे मॉक पोल के क्रम में नौ व्यू खराब होने की सूचना प्राप्त हुई, CU 14 और VVPAT 19, इंजीनियर्स टीम हमारी क्विक रिस्पांस टीम जाकर उसको तुरंत रिप्लेस की, मॉक पोल निर्बाध गति से संपन्न हुआ। नॉर्मल वोटिंग के क्रम में भी अब हमारा लगभग 3 BUs, 3 CUs और 25 VVPAT ये खराब होने की सूचना मिली, जिसे तुरंत रिप्लेस कर दिया गया ताकि मतदान प्रक्रिया बाधित नहीं हो।